رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Distinguished guests, respected teachers, media teams, dear students, assalamu alaikum. I'm really thankful to all of you that you spare your precious time and you are here with us on this wonderful gathering, which is the farewell party for the class of second year. And yes, मैं इंतहाई मशहूर हूँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस पार्टी का इनेकाद किया. And yes, the credit also goes to all the staff member of the glorious College of Science जिन्होंने मेहनत करके इस पार्टी को कामयाब बनाया. So I am extremely grateful, especially to शहजाद से, फरमान से, साली से, अयाज से, मोहित मोहम्मद से, प्रिंसिपल हफीज से एंड ऑल द स्टाफ मेंबर. एंड फरमान साहब ने बहुत मेहनत किया था इस पार्टी के इनकाद के लिए, सो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हिम. सो जितने भी स्टाफ मेंबर हैं हमारे, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोगों का फाइनल टर्म जो एग्ज़ाम है दैट इज़ फ्रॉम द 10th June, और मुझे उम्मीद है और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे. और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में कामयाब करा दे. क्योंकि याद रखें, तालीम जो है ये हर एक इंसान की के लिए एक अहमियत रखता है और अहम ज़रूरत है हर एक इंसान की. तालीम इंसान को हक व बातिल, बुराई अच्छाई में फ़र्क का तमीज़ सिखाता है. और इस्लाम जो है वो लोगों को तालीम के लिए उबारता है. किताब व सुन्नत में आप देख ले, किताब व सुन्नत ने तालीम की अहमियत के बारे में और तालीम के बारे में बार बार जिक्र किया गया है. अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जिसका मफहूम है कि क्या वो लोग बराबर हैं जो अहले इल्म वाले हैं और वो लोग जो कुछ नहीं जानते. सो हरगिज़ बराबर नहीं है. अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला अहले इल्म वालों के दर्जात बुलंद कर देता है. और तालीम की अहमियत का आप अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं, जो पहले वही जो नाजिल हुई थी वो क्या थी, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो उस जात के नाम लेके जिसने आपको पैदा किया. तो तालीम की जो अहमियत है वो आप किताब सुन्नत से देख सकते हैं. बार बार जिक्र किया गया है कि आप गौर व फिक्र करें, आप आसमानों को देख ले, चांद सितारों को देख ले, सूरज को देख ले. सो ये पॉसिबल तब है, ये सोच व फिक्र आप तब कर सकते हैं जब आपके पास तालीम हो. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह मुझे मुनाफा बख्श इल्म अता फरमा. सो तालीम की अहमियत जो है वो आप हर जगह पे देख सकते हैं. वही कौमें तरक्की कर गई है जिसका तालीमी निज़ाम अच्छा हो. आपने कोई भी अगर कंट्री का, किसी भी मुल्क का अगर आपने बैकग्राउंड जस्ट देखना है कि वो तरक्की क्यों कर गई है, तो आप यूरोप कंट्रीज का मिसाल ले ले, जापान का, जो भी जितने भी कंट्रीज है, तो उनका आप मेन जो एजुकेशन सिस्टम है आप वही देख ले. उन लोगों के जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत आगे निकल चुके हैं हमसे. सो एग्जैक्टली मैं यही तवक्कु आप लोगों से रखता हूँ कि आप लोग तालीम के मैदान में आगे आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें. आपको पता है हमारा मुल्क पाकिस्तान किस नाजुक दौर से अब गुजर रहा है. इसी हम कहते हैं और हम न्यूज़ भी देखते हैं कि ये हुआ ये हुआ. सो वजूहात तो बहुत है, लेकिन बुनियादी जो वजह है आप देख ले, डेट इज़ दी एजुकेशन सिस्टम. हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरह नहीं है जिस तरह यूरोप कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज का है, जो बहुत प्रोफेशनल होता है. हम इम्पोर्ट को हमने कम करना होगा, एक्सपोर्ट को हमने ज़्यादा करना होगा. और ये तब पॉसिबल है अगर हम प्रोफेशनल एजुकेशन जो है, जिसको सही मानों में एजुकेशन कहता, अगर हमारे एजुकेशन स्ट्रांग हो तो तब ये पॉसिबल है. अदरवाइज सिचुएशन जो है वो आप देख ले, दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है. सो आई होप कि आप लोग आएंगे और आप में से आप लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे. सो आप लोगों ने इस मुल्क को चलाना होगा और इस मुआशरे की और पाकिस्तान की आप लोगों ने खिदमत करना होगा. लेकिन ये भी एक बात है कि आप लोगों ने मुस्बत सोच के साथ आगे जाना होगा. अगर आपका सोच चेंज हो, मुस्बत हो, तो आप लोग आगे जा सकते हैं. मैं अक्सर दोस्तों के साथ गपशप लगाता हूँ.
सो मेरा एक दोस्त था डेट इज बेल्जियम में था और नेदरलैंड से उसका ताल्लुक था, नील्स उसका नाम है। सो वो पीएचडी कर रहा था गेंट यूनिवर्सिटी बेल्जियम से। तो अभी दो तीन महीने पहले मैं उनसे चैट कर रहा था, अभी मेरे पास वो चैट मौजूद है। मैंने उसको बता दिया व्हाट यू आर डूइंग नाउडेज, अगर पीएचडी कंप्लीट हुए तो आप क्या कर रहे हैं। तो उसने मुझे बता दिया कि मैं स्टील कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मैं बहुत हैरान हो गया उसकी ये बात सुन के पीएचडी करके, क्योंकि मुझे पता था जिस तरह टैलेंटेड और उसमें जितनी एबिलिटी उसमें थी रिसर्च के हवाले से या फिजिक्स के हवाले से, न्यूट्रिनो फिजिक्स उसी में वो पीएचडी कर रहा था। तो मैं हैरान हो गया कि उसकी जो रिप्लाई थी, मैंने उसको बता दिया कि आप हायर एजुकेशन में एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर आप जॉब क्यों नहीं करते, आप स्टील कंपनी में हैं, क्योंकि स्टील कंपनी में तो कोई भी जॉब कर सकता है। उसका आंसर देख के मैं हैरान हो गया। उसने मुझे बता दिया कि मुझ में वो पेशेंस, वो पोटेंशियल नहीं है, मैं अपने आप में वो पोटेंशियल नहीं देखता कि मैं जो एजुकेशन का जॉब है वो मैं सही तरीके से कर सकूँगा। सो आप उन लोगों को सोच के देख लें, सिर्फ उनका जो माइंड है ना, दैट इज टू पॉजिटिव, मुस्बत उनका सोच है। हमारे यहाँ मसले कहाँ पे है, मसले वहीं पे है, कोई बंदा अहल नहीं होता और वो एक सीट पे पहुंच जाता है। हम में से बहुत और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके, और ये मैं आपको यही बता दूं, एजुकेशन का हरगिज मतलब यही नहीं है कि हमारे मुल्क में डिग्रियों की कमी है या हमारे मुल्क में एजुकेशन, आपको पता है 1100 में से 1100 नंबर लेके लोग पास हो जाते हैं और हर एक के पास डिग्री है, इंजीनियरिंग की भी है, मेडिकल साइड पे भी है, अदर जो सोशल साइंसेस में उसमें भी है, बट स्टिल हम बहुत पीछे हैं। सो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो जिस तरह होना चाहिए उसी तरह नहीं है। सो आई होप कि आप लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने गोल जो आपके होने चाहिए, और आप लोगों ने अगर ख्वाब देखने, बड़े बड़े ख्वाब आप लोगों ने देखने होंगे। इफ यू ड्रीम बिग एंड इफ यू हैव बिग गोल्स, देन वो जो गोल्स होंगे डेट विल पुश यू टू डू मोर, फिर आप लोग ज्यादा मेहनत करेंगे उसी को हासिल करने के लिए। दरमियान में बहुत से मुश्किलात होंगे, मंजिल तक पहुंचना ये भी आसान नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास सेल्फ ओन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप खुद एतमाद होने चाहिए। सेल्फ ओन कॉन्फिडेंस इज द सुपर पावर, रिमेंबर इफ यू बिलीव ऑन यूर सेल्फ देन द मैजिक स्टार्ट हैपनिंग। अगर आपका अपने आप पे सेल्फ ओन कॉन्फिडेंस, एतमाद हो कि हम कर सकते हैं और आप बिलीव कर सकते हैं यकीन के साथ कि हमने वहां तक पहुंचना है, देन द थिंग्स आर वेरी इजी, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। कुछ स्टूडेंट जस्ट बहाने बनाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम का उनके साथ कोई उतनी अहमियत नहीं होती जिस तरह होना चाहिए। तो आप देख लें, कुदरत का ये एक वाज़े इंसाफ है कि हर एक के पास 24 घंटे हैं दिन में, हर एक के पास 86,400 सेकंड है एक दिन में, लेकिन कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम होते हैं। तो कामयाब वही होते हैं जो विनर की तरह रिएक्ट करते हैं, जिनका सोच मजबूत होता है और मंजिल तक पहुंचने के लिए वो किसी भी जितने भी मुश्किलात होते हैं उसको पार करके वहां तक पहुंच जाते हैं। और टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, आपको पता है, टाइम जो लम्हात गुजर चुके हैं वो वापस नहीं आते। टाइम जो है ना, ये कीमती चीज क्या, ये जिंदगी है, आपने इसको सही यूटिलाइज करना होगा। टाइम की मिसाल उसी तरह है, एक बहती हुई पानी, अगर आपके पास बहता हुआ दरिया है, आप तो पानी को नहीं रोक सकते, लेकिन आप उसको सही सिम्मत दे सकते हैं, उस पानी को आप सही सिम्मत दे सकते हैं। डेप्थ ऑफ सिंपल मिसाल है टाइम का, टाइम तो गुजर जाता है, हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उसको सही यूटिलाइज करके सही सिम्मत हम दे सकते हैं टाइम को। और ईगल की तरह मैं अक्सर आपको मिसाल देता हूँ, शाहीन की तरह आप लोगों ने रिएक्ट करना होगा। यू मस्ट हैव द एटीट्यूड, यू मस्ट हैव द स्पीड, यू मस्ट हैव द एबिलिटी जस्ट लाइक एन ईगल हैव। अब देख ले, ईगल बाकी जो परिंदे हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ होता है, वो हमेशा फ्लाई अलोन, उनके जो विंग्स होते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं। सो अगर फॉर एग्जाम्पल तूफान आता है, तूफान से उनको डर नहीं लगता। तो आप लोगों ने भी जिस तरह
तूफान एक मजबूत चट्टान को नहीं हिला सकता, इसी तरह आप लोग का मिसाल होना चाहिए। आप लोग इस तरह खुद एतमाद होने चाहिए और इतनी मेहनत आप लोग करें कि कोई भी मुश्किल हो, कोई भी तूफान हो, कि आप उसके साथ टकरा सकते हो। जिस तरह एक शायर ने क्या खूब कहा है, तुंदे बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। So the same is the thing like this, you have to work hard and with your cell phone confidence you can do each and everything. और अगर आप मेहनत नहीं करते, अभी 10 जून से एग्जाम है, टाइम बहुत कम है, लिमिटेड है, तो आप लोग ये जो वन वीक गैप है इसी में मेहनत करके, क्योंकि मुझे पता है ग्लोरियस कॉलेज में जिस तरह का स्टाफ मेंबर्स है और जिस तरह आपके साथ मेहनत हुआ है, That is really appreciated and really outstanding. मैं अक्सर रिजल्ट देखता हूँ आप लोगों के, काउंट आप नहीं कर सकते कि कितने हमने इंटरनल एग्जाम लिए हुए हैं। सो इंटरनल एग्जाम में भी 7-8 मरतब आपके इंटरनल एग्जाम हुए हैं विद दी ईटा कोर्सेज। सो मैं आप सबके लिए दुआ गु हूँ कि आप लोग यहाँ से कामयाब हो के अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिले और आपका प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हो जाए। And glorious College of Science will be always with you. Remember, अगर आप यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, हमारा जो कॉपरेशन है, हेल्प है, वो आपके साथ है। कहीं पे भी आप जाते हैं, you need any cooperation, any help, the glorious college is here with you. आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपके अपने स्टाफ मेंबर के साथ, ग्लोरियस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। सो वंस अगेन गुड लक, एंड मुझे अब भी वो दिन याद है, इसी हाल में मैंने आपको वेलकम किया था। तो आप खुद सोच लें ये एक दो साल कितने जल्दी गुजर गए, आज फेयरवेल पार्टी है। सो गुड लक एंड वंस अगेन रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। गर्मी में आप लोगों ने टाइम स्पेयर किया, बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आए हुए हैं, सो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू देम एज वेल। सो थैंक यू।